मैं अभी कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ कि 2010 का जो फ्लड था, तारीख का बहुत बड़ा फ्लड, इसने जन साहब आइए, उसने इस फ्लड ने, इस बारिशी फ्लड ने, मैं समझता हूँ उसको भी पीछे छोड़ दिया है और हर तरफ तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं। 900 से ज़ायद लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं और वफाक की तरफ से यहाँ पर जन अख्तर नवाज साहब मौजूद हैं। काफ़ी हद तक 10-10 लाख रुपए की जो कॉम्पनसेशन है वो दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मरहले बाकी हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो इंतजाम देखे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, वो इंतहाई हौसला बख्श और इंतहाई तसली बख्श और शानदार हैं। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और जनाब मेरे भाई शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़े ऐसन तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यकीनन साथ जो हमारी जो इत्तेहादी पार्टियों के जो यहाँ पर शाह साहब मौजूद हैं और बाकी MQM के साथी मौजूद हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि JUI के नुमाइंदे हैं, हम सब की एक मखलूत हुकूमत है, ये मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने अभी प्रेजेंटेशन दी है सक्कर बराज के ऊपर, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जनाब वज़ीर आला सिंध ने दी है, तो जो नुकसान, बेअंदाज़ा नुकसान हुए हैं, बेअंदाज़ा, जिसका कोई तखमीना अगर मैं आज कहूँ तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने जो ये जो 10-10 लाख रुपया वफाक की तरफ दिए, 24,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो मुतासर ख़ानदान है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में और जनूबी पंजाब में, उनको हमने 24,000 रुपया वफाक की तरफ से जो बेस्ट जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मोहतरमा शहीद के नाम पर वो एक इदारा है, उनके ज़रिए एक बहुत ही शानदार और जामे इदारा है, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारी इनके पास डाटा है, इससे बेहतर कोई कॉन्ड्यूट हो नहीं सकता। तो इनके ज़रिए हमने 28 अरब रुपए की रकम हमने दे दी है बिस्प को, और वो बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया, अब आज से सिंध में वो उसका इजरा कर रहे हैं। एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया है कि एक हफ्ते में 28 अरब रुपए की आपने 25,000 रुपये फी कस आपने ख़ानदानों को पहुँचाना है, उन्होंने वादा किया है। जन साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी मैंने कमिटमेंट लिया और इंशाल्लाह ये हम हर जगह पहुँचाएँगे। मगर इसमें बहुत अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है, सिंध के अंदर जो तूफ़ानी बारिशों जो तबाही हुई है, इसमें अब कितना जाके 28 अरब से कितना बढ़ेगा, ये अब जब हम तखमीना लगा के जब हम बाकी मानदा जो ख़ानदानों को शरीक करेंगे तो उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वफाक मिलकर इंशाल्लाह हम इस काम को हम मंतकी इंजाम तक अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से पहुँचाएँगे, शफाफ तरीके से, इंतहाई शफाफ तरीके से। इसी तरह आज हमने जो सिंध में जो बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह, मेरा नहीं ख्याल के 40 सालों में इतनी बारिशें से ज़्यादा पहले हुई हों, तो जहाँ पर इनका बेपनाह फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर माल मवेशी बह गए, घर बार बह गए, तो हमने 15 वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत को हमने हवाले की है। इंशाल्लाह जल्द इनको आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगी और ये अब इनके ऊपर है, NDMA इनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन जिम्मेदारी अब मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब के बहुत ताकतवर कानों पे है और जनाब तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर के कानों पे हैं, NDMA के कानों पे है कि वो मिलकर इसको करें। ये ग्रांट है, इन्होंने पहले ब्रिज बनाना है, इन्होंने कोई और काम, ये इनकी जवाबदेही पर है, इन्होंने फैसला करना है कि इस 15 अरब रुपए को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है इंशाल्लाह
कि ये सब मिलकर इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई ईमानदारी से, मुझे कोई शक नहीं इसमें कि घर घर जाएंगे, हर जगह ये इमदाद पहुँचाएँगे, ब्रिज बनाना है, सड़क बनानी है, ये इंशाल्लाह ये करेंगे। और अगर इनको अपना हमारी FW की ज़रूरत है, NLC को उनके ज़रिए बनाना है, ये इनकी मर्ज़ी है, किसी और से बनाना है ये इनकी मर्ज़ी है, यह मैं फ़ैसला इन पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये ग्रांट अब फैसला इन्होंने करना है, एक्सिक्यूट इन्होंने करना है NDM की पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये अपना इस काम से दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम बैठेंगे जॉइंट सर्वे के बाद कि सूबों ने क्या हिस्सा डालना है। देखिए एक बात मैं बड़ी वाजे तौर पर कहना चाहता हूँ कि आखिर जो लास्ट NFC अवार्ड हुआ था 2010 का, उसमें 58% जो फेडरल जो कटौतियों के बाद 58% सूबों को जाता है, 58%, बाकी फिर उससे जो वफाक की तनख्वाहें और आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें और जो कर्ज है उसका सूद अदा किया जाता है। बाज़ औक़ात तो वो जो ये जो तीन मदाद है वो भी पूरे नहीं होती जो, लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम में जो कि एक बड़ा एक शानदार एक अचीवमेंट है, उसके तहत अब सूबों का हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन ये वफाक है चारों सूबों की, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमने मिलकर इंशाल्लाह हमने इस वक्त को हमने इंशाल्लाह नेगोशिएट करना है। मैं आज आपसे इन कैमरास के जरिए पूरी कौम के मुख़य्यर हज़रात को सिंध में, कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में, मैं तमाम मुख़य्यर हज़रात को, कारोबारी हज़रात को जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं, रिस्क के हलाल कमाते हैं, उनसे मैं दर्द मंदाना अपील कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें और इस वक्त दुखी इंसान का हाथ थामें और वज़ीर आज़म जो अकाउंट है उसमें पैसे जमा कराएं। अगर आपने ख़ुद आके टेंट, अद्वियात, खुराक देनी तो आप आएँ, बड़े शौक़ से आप अशिया दें, आप दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएं, अपने रिस्क हलाल से हिस्सा डालकर आज पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ लगी हैं। NDMA ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मॉस्किटो नेट्स का इंतज़ाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम सिंध हुकूमत के हवाले कर रहे हैं और 5 लाख हम अपने बलूचिस्तान की हुकूमत के उनके हवाले कर रहे हैं। 100 टन हमें गिफ्ट मिला, तोहफा मिला है, और मैं नाम बताना चाहिए उसका, नेस्ले ने 100 टन ये गिफ्ट किया है, 80 टन ये गिफ्ट ये सिंध को जा रहा है और 20 टन गिफ्ट जो है पानी का वो हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। इसके अलावा कल रात मैंने मीटिंग्स की हैं और हमने कमेटीज़ बना दी हैं और उन कमेटीज पानी, साफ पीने का पानी सिंध, बलूचिस्तान और KP और जुनूबी पंजाब के लिए, टेंट्स चारों सूबों के लिए और गिलगित बल्तिस्तान उनके लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, और ख़ुराक अद्वियात के लिए सूबे PDMAs ख़ुद काम कर रहे हैं, NDMA फेडरल हेल्थ जो है वो भी इंशाल्लाह इसके लिए जो कुछ होगा बटाएगा, लेकिन तीन मदात में टेंट्स, पानी, मॉस्किटो नेट्स और साथ ख़ुराक, इसके लिए हम अपना NDMA मिल के सूबों के साथ इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मिला और मैं इंशाल्लाह आज मैंने सुबह मीटिंग की है पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक के सफीरों से, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफीरों से, जिसमें मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ के सफीर थे, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, चाइना, जो हमारे बड़े दोस्त ममालिक सब आज आए थे, और उनसे हमने अपील किया कि ये इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है कि हम अकेले इनको मीट नहीं कर सकेंगे, आप इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह वो भी इसमें करेंगे। मैं आज उनसे मज़ीद उनसे बातचीत करूंगा और पहले फेज़ में जी बिल्कुल, जब मैं बलूचिस्तान गया था तो पहले फेज़ में बलूचिस्तान को हम 60 टन साफ पीने का पानी मुहैया कर चुके हैं। अब ये जो खेप आई है 20 टन और करेंगे, और कोई कदगन नहीं है, जो कुछ भी होगा हम इंशाल्लाह इस दुखी अपने भाइयों और बहनों के हवाले करेंगे। आज मैं जब मैं कैंप में था तो मुझे एक मेरी बहन खातून ने कहा कि वो आधी सिंधी बोल रही थी, कुछ वो बात कर रही थी, थोड़ी बहुत जेल में मैंने सिंधी सीखी हुई, मैंने भी थोड़ी बहुत मानू खादो छोटो मानू खादो, तो ये चार चीज़ें मैं भी जानता हूँ।
सुभाने और सब कुछ उन्हें मुझे एक उस्ताद ने सिखाया था। तो मैं कहने के कि भाई तुम हो तो पंजाब के मगर काम करते। मैंने कहा मैं पंजाब, मैं पाकिस्तानी, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद कुछ और। ये मैं यहाँ पर बतौर एक पाकिस्तानी आया हूँ और पाकिस्तान है, हम सब की पहचान है पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह हम बतौर पाकिस्तानी मिलके काम करेंगे। कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान की बात नहीं है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, केपी की और पंजाब की दिन रात काम करेंगे, हम मिलकर हाथ बटाएँगे। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से दूर हमें निकाल देगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बादशाहों की पेशेंटगोई बहुत पहले हो सकी थी, क्या वजह है कि टैंकों की जो है पहले से ऑर्डर नहीं हो सके? 10 रोज तक यहाँ पे बारिश के बाद भी जो है बारिश में नहाते रहे। दूसरा मैं इसी के साथ एक वो करूँगा कि कुछ ऐसे पहले पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत थी, अब वही पूरा पानी जो है डबोरा है पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं कि मजीद डैम की जरूरत है और इस हवाले से इकदाम करें? बिल्कुल, इसमें पहली बात तो यह है कि यानी बारिशों की बिल्कुल ठीक थी, बारिशों का वार्निंग आई थी, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाज़ा था कि अब देखें कि सिंध में जो ये आखिरी रेला जो आया बारिशों का, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को बीट कर गया है। और जो औसतन बारिश 30 साल की हुई, 3 गुना ज़्यादा, बाज़ जगहों पर 4 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा, तो औसत जो है वो तो ये इसका तो ये तो देखना क्लाइमेट चेंज की जो अब हम कार्बन एमिशन जो हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसमें पूरी तरह अंडर कंट्रोल है, जो भी बेंच पर रखें, जो ममालिक कार्बन एमिशन छोड़ते हैं भुगत हम आज रहे हैं। लेकिन इस ये बात को रदा करेंगे तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं, हिम्मत दिलाने का है, सताइश देने का और आगे बढ़ने का है। पानी की बात जो आपने दुरुस्त कही, जितने भी हम ऊपर नॉर्थ में हम बनाएंगे डैम्स और रिजर्वॉयर्स, उतना इस मुल्क का फ़ायदा होगा और फ्लैश फ्लड से हमारी जान छूटेगी। सर ये है कि सखर बैराज मुख्तलिफ अवकात में जो है वो सैलाब की हड़ताल का सामना कर रही है। 2010 में भी बड़ी क्राइसिस थी, यहाँ से जो है वो बैराज में टूटने का बड़ा खर्चा हो रहा था और इसकी जो लिमिट है, जो मतलब एक्सपायरी डेट है, वो भी कब की ख़त्म हो चुकी है। तो सखर बैराज में समझे कि रीढ़ की हड्डी रखती है यहाँ सिंध की मैशियत की, एग्रीकल्चर के हवाले से, तो सखर बैराज का मुतबादल बना रहे हैं या इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए मैं अभी रास्ते में जनाब शाह साहब से बात हो रही थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी, मुझे बता रहे थे खुर्शीद शाह साहब इसके बड़े दाई हैं कि हमें इसको बनाना चाहिए नया। लेकिन जो इनकी जो गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा किया कि बराज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अभी भी मजबूत और ठीक काम कर रहा है। सर एक जानब तो हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों ने तबाही मचा दी, उसी जानब भारत की जानब से आप भी दहशतगर्दी की जा रही है मौजूदा दौर में, अभी भी वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से हमारे जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये भी था कि मीडिया जो है अपना रोल अदा कर रहा है लेकिन अभी भी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एयरवे की नशियात कई रोज़ से बंद है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए कि एयरवे की नशियात को बहाल किया जाए, तो सर इस हवाले से लोगों की आवाज़ आवाम तक आप तक कैसे पहुँचेगी? देखिए ये बात तो आप कैमरा से पूछें, हम जमहूरी जो जो हैं रवायत उसके हामी हैं, हमने अपना मौजूदा ऑफिस में कुर्बानियाँ दी हैं। देखें प्लीज़, अब सियासत की बात यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया तो मैं दुखी दिल से कहता हूँ, जब माएँ और बेटियाँ और बहनें गिरफ्तार हुई तो उसको जिस का नाम लिया है या बात चल, वो कहाँ थे? ये बात, ये मौका सियासत का नहीं है, जब आएगा तो मैं जवाब दूंगा। जिस तरह से मुल्क में बड़ी तबाही आई है, आप फेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। जब हुकूमतें बनती हैं तो असेंबलियों से मेंबरान खरीदे जाते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी तबाही आई है, आपका बड़ा ख़ानदान है, बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा ख़ानदान है, तो उस हवाले से भी आप जो है शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आप मुख्य हजरात को कह रहे हैं, आप भी अपनी जेब से कर सकते हैं कि ये दूसरे सिंध हुकूमत की जानब से छोटे छोटे जो मुलाजम हैं उनसे 2 दिन की तनख्वाहें काटी गई है, वो खुद मुतासर हुए, वो खुद परेशान है, अब जो है सियासी तौर पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, आज़ाद भी किए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन जो है मुतासर है वो अभी तक बेयार मददगार है, खेमे तक नहीं दिए गए, राशन तक नहीं दिया गया, पेश की इतलात बावजूद भी। मैंने आपको पूरी तफसील बता दी है, अभी अभी तक पीडीएम में जो सिंध का है
कितने 80,000 दिए आप? 86,000 टेंट्स जो मुझे बताया गया ये दे चुके हैं, अभी मैंने देखी है 86,000 टेंट्स। 11,000 टेंट जो है उसमें से 8,500 मिल चुका है सर, अब 11-12,000 और 15,000 जी 1900 बड़े शेल्टर टेंट, हाँ 1900 बड़े, जहाँ पर अपना बड़े बहुत ज़्यादा खानदान आ सकते हैं वो बड़े शेल्टर टेंट दे दिए हैं। 15,000 मॉस्किटो नेट्स अगले 4 दिन में पहुँच जाएंगे। 80 टन पानी जो गिफ्ट मिला है, हम उनको अल्लाह मियाँ बहुत उनके दर्जे बुलंद करें जिन्होंने ये किया, वो यहाँ पर हम करें तो सुबह भी अपना हक अदा कर रहा है, हम भी पूरी कोशिश करें। 15 अरब रुपया ये जो ये मेरी जेब से नहीं, पाकिस्तान के आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो उनको दी जा रही ग्रांट, और आपको यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये सही जगह पहुँचेगा, हकदार को पहुँचेगा। और दूसरी बात कि मुहैयात को इंशाल्लाह जो भी इस्तेदाद हुआ इंशाल्लाह खामोशी से करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये अभी मैं जब जहाज से उतर रहा था तो मुझसे एक मेरे साथी ने सवाल किया कि शहबाज साहब कितने अरसे में ये काम मुकम्मल होगा। इसके 3 फेजेज हैं, पहला है रेस्क्यू और रिलीफ जो उसका जारी है, जो सब ये दोस्त ये कर रहे हैं जगह जगह लाड़काना में और शदाद कोट कहाँ कहाँ बेचारे ये जा रहे हैं, दिन रात फिर रहे हैं, मौसम ख़राब, आज धूप निकली है। तो पहला है रेस्क्यू रिलीफ कि रेस्क्यू किया जाए, अफवाज पाकिस्तान मैदान में हैं, दिन रात वो काम कर रही हैं, बोट्स दे रही हैं, इनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पुलिस काम कर रही है, सब काम मिल के कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो है रिहेबिलिटेशन, इनको घरों में इनके वो अपने घरों में जाएं, आबाद हों, फसलों के कॉम्पनसेशन। नंबर 3 वो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस। ये हैं 3 इसका ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, मीडियम टर्म भी अगले महीने डेढ़ में मुकम्मल होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म है जितनी हम कोशिश से काम, तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि वो वसाइल मुहैया करें ताकि फ्लाई ओवर सड़कें वो रिपेयर हों, स्कूल अस्पताल, मुझे बता रहे थे कि अस्पताल बंद पड़े हैं, पानी हर जगह गुजर गया है, इसलिए आप हौसला रखें, मिलके काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सब मिलकर बतौर पाकिस्तानी काम करेंगे, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि हर तरफ तबाही के असरात नज़र आ रहे हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, इमदाद के हवाले से अभी कुछ मरहले बाकी हैं, हुकूमत एहसन तरीके से काम सर अंजाम दे रही है, जबकि सक्कर में रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहाँ बाहक अफराद के लवाहकिन की इमदाद जारी है, मज़ीद कहना है कि सैलाब से फसलों, लाइफ स्टॉक और फसलों को बेपनाह नुकसान पहुँचा।